जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है ना कि वो थप्पड़ की गूंज पूरी उम्र सुनाई देती है। और ये थप्पड़ खाना है या नहीं खाना है या किस समय पर डिपेंड करता है, ये अभी आप जो लाइफ जी रहे हैं ना 23 साल से लेकर 30 साल तक, यही इसी के बीच आपको थप्पड़ खाना है या नहीं खाना है पूरे जिंदगी में, ये आपको डिसाइड करना है कि आप आज के डेट में कर क्या रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और आज 1 मई है, शाम को 6 बजे आपका मैथ क्लास लाइव आने वाला है पूरे बेसिक चैप्टर के साथ, ठीक है। और इस क्लास का पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जिससे आप सभी जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98 आप अपने फोन के ऊपर कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, रेलवे, SSC, बैंक, किसी भी एग्जाम का। अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ, यानी 1 साल तक आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आपको 20 से 22 टेस्ट दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ। और आज कवर करेंगे हम सभी 1 मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, नासा के जो भी इंजीनियर हैं उन्होंने अमेरिका में COVID-19 के हल्के लक्षणों वाले रोगियों का इलाज करने के लिए ऐसा कौन सा नामक एक उच्च दबाव वेंटिलेटर उपकरण विकसित किया है, यह आपको बताना है। और उस वेंटिलेटर का नाम क्या दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है आपका वाइटल, ऑप्शन नंबर आपका सी, याद रखिएगा। और एक बात, वाइटल का फुल फॉर्म क्या है वो भी एक बार कृपया कर आप सभी नोट कर लेना। और एक बात, नासा का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसका नाम क्या है, जिम ब्रेंडस्टाइन। और नासा का गठन कब हुआ था, 29 जुलाई 1958 को। और नासा का हेडक्वार्टर तो सभी को पता है अमेरिका में है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को क्या नाम दिया है, क्योंकि वो मिशन जो है ना 1970 में पहली उपग्रह के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो पहले सुन लो, जो पहला उपग्रह था ना उसका नाम पहले आप याद कर लेना, चीन का नाम क्या दिया गया था, डोंगफेंग होंग 1, जो लॉन्च किया गया था 1970 में। इसके 50वें वर्षगांठ पर इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है आपका तियानवेन 1, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फेसबुक ने नया समूह कॉलिंग फीचर शुरू किया है जिसके अंदर क्या होगा उसका नाम बताना है, जिसमें यह होगा कि आप एक बार में, जैसे आप कभी वीडियो कॉल करते हैं ना, तो आप एक बार में 50 लोगों को जोड़ सकते हैं एक वीडियो कॉल में। तो ये फीचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्लास भी आप दे सकते हो, बहुत कुछ फंक्शन है, ठीक है। अभी लॉकडाउन में क्या है, क्लास वगैरह नहीं चल रहे ऑनलाइन, तो बहुत सारे स्कूल के, कोचिंग सेंटर के, तो ये सब हर एक संगठन ना अलग अलग फीचर जो है वो लॉन्च कर रहा है। तो फेसबुक ने भी एक फीचर लॉन्च किया है कि वीडियो कॉल के माध्यम से आप एक बार में 50 लोगों को जोड़ सकते हैं। तो उस फीचर का नाम क्या है ना वह आपको बताना है। तो उस फीचर का नाम दिया गया है मैसेंजर रूम, ऑप्शन नंबर आपका डी। और फेसबुक के जो मालिक है उनका नाम तो सभी को पता है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हवाई अड्डे के परिचालन क्षमता में वृद्धि का संकेत देते हुए तमिलनाडु सरकार के किस हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्तर 3 में जो है वो अपग्रेड किया गया है, उस एयरपोर्ट का नाम बताना है। और उस एयरपोर्ट का नाम है आपका थूथुकुडी, ऑप्शन नंबर आपका सी। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम तो सभी को पता होगा, इडप्पडी के पलनीस्वामी। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। और राजधानी क्या है, तो वो है आपका चेन्नई। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने ठंड और बुखार से पीड़ित रोगियों की निगरानी के लिए फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सभी समझ लेना। एक्चुअल में क्या हो रहा है, आज के डेट में जो भी आपको पता है, जो सिम्टम है, जो लक्षण है COVID-19 का, वो क्या है, तो ठंड लगना, खांसी होना, नाक बहना,
या फिर बोल सकते हो बुखार लगना। अब एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अगर हो रहा है तो वो डॉक्टर को बता नहीं रहे, क्योंकि अगर उनको डर लग रहा है कहीं उनको भी कोरोना ना हो जाए, इसीलिए वो डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक टेस्टिंग कैसे होगा, और टेस्टिंग जब तक नहीं होगा तब तक देश अर्थ जो है वो सेफ नहीं है, ये आप बात याद रखना। तो अगर आपको कुछ भी होता है तो कम से कम डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। तो इसको नज़र में रखते हुए क्या किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उस फार्मेसी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, और इसके माध्यम से वो पता लगाएगी कि वहाँ के कौन कौन लोग हैं जो ठंड और बुखार के दवाई ले रहे हैं जाकर मेडिकल स्टोर से, उन पर जो है वो निगरानी रखी जाएगी ताकि वो बच ना पाए और उनकी टेस्टिंग हो सके। और टेस्टिंग अच्छी चीज़ है आप सभी के लिए ही है, ठीक है ना, डरो मत ऐसा कुछ। आप सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल की बात करें विश्वभूषण हरिचंदन, और कैपिटल तो वो है आपका अमरावती। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंडिया रेटिंग जो हर टाइम जो है इंडिया को रेटिंग देते रहती है उन इंडिया के ग्रोथ रेट के अनुसार, तो इंडिया रेटिंग ने कितना अनुमान लगाया है इंडिया का जीडीपी का 2020 और 21 के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो इंडिया रेटिंग के द्वारा अनुमान लगाया गया है ना वो 1.9% अनुमान लगाया गया है 2020 और 21 के लिए। इस प्रकार 29 वर्ष में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। अब एक बार मैं आपको ये चीज, ये लाइन का मतलब भी ना मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। अभी 20 और 21 के लिए जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो प्रिडिक्ट अनुमान लगाया गया है इंडिया रेटिंग के द्वारा वो लगाया गया है 1.9%, ठीक है। अब इससे कम 1991 और 1992 में इन्होंने सबसे कम इंडिया का जीडीपी ग्रोथ दिखाया था। कितना दिखाया था भैया उस समय 1991 और 92 में, तो इंडिया का जीडीपी रेट दिखाया था इन्होंने 1.1%। मतलब समझ रहे हैं, आज के डेट में भी उससे बहुत कम, कितना महामारी होगा उस समय देश में, आप समझ रहे हैं। तो उस वक्त भी देश को बचा लिया गया था, क्योंकि आप बोल सकते हो एक बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह उस समय थे, देश को आज भी उनका देश आभारी है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर जो बड़े बड़े नेता है और बड़े बड़े जो फॉरेन के मिनिस्टर है, गवर्नर है विदेश तक के, वो मनमोहन सिंह का लोहा मानते हैं, कि वैसे दौर में इंडिया को बचाने वाला बस मनमोहन सिंह जी थे। तो आप नकार नहीं सकते कि वो कितने काबिल है। तो समझ सकते हैं 1991-1992 में देश में कितना रिसेशन आया था, उससे देश को उन्होंने उभार दिया था, समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न हमारे सामने, केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 में घटकर कितना प्रतिशत रहने की उम्मीद है, या केयर रेटिंग के द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो केयर रेटिंग के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है इंडिया जीडीपी का, तो वो लगाया गया 1.1% का, ठीक है। आईएमएफ के द्वारा, मैं बार बार बता रहा हूं आईएमएफ के द्वारा, तो इनके द्वारा 1.9%, इंडिया रेटिंग के भी द्वारा 1.9%, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के द्वारा तो 1.5% से लेकर 2.8%, क्लियर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को लाभ कमाने के लिए शहरी क्षेत्रों में क्या किया है, घर पर मास्क तैयार करने के लिए जीवन शक्ति योजना, कौन सी योजना, जीवन शक्ति योजना के तहत जो है कहां की महिलाएं जो है वो मास्क तैयार करेगी ताकि वो देश की सेवा भी कर पाए और उनको रोजगार भी मिल पाए। तो ऐसा किस राज्य में इस स्कीम के अंदर होने जा रहा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका सी। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट कर ये बताना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, अभी चेंज हो गए हैं याद रखिएगा, वहां के राज्यपाल कौन है और वहां का राजधानी क्या है। ये तीन चीज आपको मध्य प्रदेश के बारे में कॉमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी कंपनी है जो 100% प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त करने वाला भारत का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र बन गई है। और आप सभी को पता होगा कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट कौन सा है, क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार बन चुका है,
तो वो है आपका एनटीपीसी विंध्याचल, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसका सही आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्र सरकार ने किसको आर्थिक मामले के विभाग वित्त मंत्रालय में नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका तरुण बजाज, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, नहीं ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 1 मई का, इसका पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और शाम को 6 बजे आप सभी के साथ मुलाकात होगी। और त्रिकोणमिति का 7वां पार्ट आपको मिलेगा, ये मत सोचना वो पार्ट खत्म हो गया है, वो भी पार्ट मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा वो पार्ट आपको। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी पापा का जरूर ख्याल रखिएगा आप सभी, ठीक है ना। चलिए।